आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। रीवा में लोकायुक्त पुलिस की छापेमार कार्रवाई के दौरान कृषि उपज मंडी का सहायक उपनिरीक्षक 1.25 करोड़ रुपए का आसामी निकला है। मंडी अधिकारी ने अपनी नौकरी में अब तक वेतन से कुल 18 लाख की कमाई की, लेकिन उसने आय से अधिक संपत्ति की जांच में 1.25 करोड़ का आसामी निकला। दरअसल यह खुलासा रीवा की लोकायुक्त टीम ने आय से अधिक संपत्ति की जांच के दौरान किया है। आपको बता दें कि बुधवार को लोकायुक्त पुलिस ने रीवा के चाघाट मंडी सहायक उपनिरीक्षक एवं मंडी प्रांगण प्रभारी हरिशंकर तिवारी के चाघाट स्थित बघेड़ी मोहल्ला के आवास और कुराव गांव में स्थित आवास में एक साथ छापेमार कार्रवाई की थी। बुधवार की सुबह से लेकर देर शाम तक चली इस कार्रवाई में 1.25 करोड़ से अधिक की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा लोकायुक्त पुलिस ने किया है। प्रमुख संपत्तियों में 44 लाख के साजो सज्जा और घरेलू सामान, 41 लाख का चाघाट में मकान और 15 लाख का कुराव में मकान, 12 लाख से अधिक के वाहन सहित प्लाट व अन्य सामान मिला है। कार्रवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि अधिकांश संपत्ति उनके पिता की ओर से बनाई गई थी, लेकिन तथ्यों पर कोई तर्क नहीं दे पाने की वजह से प्रथम दृष्टया अनुपातहीन संपत्ति ही मानी गई है। फिलहाल लोकायुक्त की जांच अभी जारी है। सर, आज चाघाट के बघेड़ी गांव में लोकायुक्त की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है, सर पूरा मामला क्या है? जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति पाए जाने पर न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर आज मंडी उपनिरीक्षक हरिशंकर तिवारी के आवास पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितनी संपत्ति मिली, कुछ ब्यौरा इसका? लगभग 50 लाख से अधिक की संपत्ति अभी तक पाई गई है और बाकी शेष पूरी कार्रवाई होने के बाद ही बताया जा सकेगा। सर, ठिकाना पर चल रही कार्रवाई, सर उनका एक जो कोराव ग्राम था वहाँ पर की है कार्रवाई और दूसरा बगड़ी जो आवाज़ है इस पर कार्रवाई चल रही है। सर, कितने सदस्य टीम की कार्रवाई है? 25 सदस्य टीम। और सर, अभी कब तक चलने की उम्मीद है कार्रवाई? आज शाम तक पूरी हो जाएगी। शाम तक।